वेलकम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज अरेंज हॉस्पिटैलिटी फॉर मी? जस्ट अ मिनट, मैं चेक करके बताती हूँ. क्या बोल रही है, हॉस्पिटल के बारे में? हॉस्पिटल के बारे में नहीं सर, हॉस्पिटैलिटी के बारे में. गुड मॉर्निंग सर. किसको बोल रही है? अरे ससुर जी, ससुर जी आप यहाँ पर? Okay, इस फिरंग लड़की को मैं राम की महिमा बता रहा था और आप आ गए. अच्छा आप ही बताइए, मेरी यहाँ ड्यूटी क्या है? गल्ला संभालना है? नहीं नहीं, उसके लिए तो मैंने एक नया मैनेजर अपॉइंट किया है. कौन है वो? वहाँ देखो. नमस्ते सर. नमस्ते सर. नमस्ते. मैंने इन्हें नमस्ते कहा. आपको स्पेशली बहुत बड़ा नमस्ते सर. दामाद जी, तुम इन्हें पहले से जानते हो क्या? मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ. किसी भी स्टेशन के बारे में पूछ लो, ये अच्छे से बताएंगे. स्टेशन मेरा मतलब किसी भी स्टेट के बारे में पूछ लो. ये कोई मामूली भक्त नहीं है. मैं अपने दामाद को बहुत अच्छे से जानता हूँ. अरे अरे क्या बताऊं, जो आप जानते हो वो तो कुछ भी नहीं, और जो नहीं जानते वो बहुत कुछ है. इनकी तारीफ में और क्या कहूँ. इनका मतलब कोई मेरी तारीफ करता है तो मैं वहाँ रुकता नहीं हूँ. ठीक है भाई. अरे दामाद जी एक मिनट. मैनेजर जी, आपने मेरे दामाद जी के लिए कौन सी ड्यूटी थी? अरे इन्हें तो मैं ऐसा वैसा काम नहीं दे सकता. धीरे धीरे मैं इनका काम बढ़ाऊंगा. वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए सर. वेरी गुड दामाद जी, मोस्ट एक्सपीरियंस मैन. जैसा ये कहते हैं वैसा करो, लाइफ में बहुत ऊंचे जाओगे. ठीक है आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें नीचे से ऊपर जाने का रास्ता बताता हूँ. मम्मी ये सब क्या है? ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, फ्लोर साफ करने की. टॉयलेट भी साफ करो. बाथरूम में जाऊं तो बेडरूम जैसी फील आनी चाहिए, और टॉयलेट में जाऊं तो हनीमून वाली फील. मैं सब कुछ ससुर जी को बता दूंगा. उससे क्या होगा बेटा, कुछ भी नहीं. अगर मैंने तेरे बारे में एक शब्द भी तेरे ससुर को बता दिया तो तू सीधा यहाँ से तिहाड़ जेल जाएगा. 1,00,000 कैदी और सिर्फ 10,000 बाथरूम है वहाँ, विदाउट फिनाइल और विदाउट एसिड के. बबुआ तू बहुत बिजी हो जाएगा. सपना देखकर अच्छा लगा? सपना देखने से भी डर लगता है. इतिहास गवाह है कि एक लालची आदमी और एक गुस्सेल औरत कभी खुश नहीं रह सकते. हे कृष्ण भगवान, ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा है? और छोटे सब ठीक है ना? यहाँ क्यों बैठे हो ऐसे सीढ़ियों पर? है ये सीढ़ी है? मुझे तो लगा सोफा है. ओवर एक्टिंग मत करो, आदत हो गई है ना. क्या हो गया तुम्हें, बहुत थके हुए लग रहे हो. ऑफिस में ज्यादा काम था? हाँ ऑफिस में स्टाफ बढ़ गया है ना. हर 15 मिनट में चाय, हर आधे घंटे में कॉफी, हर घंटे में बूस्ट. इसी में मैं बिजी हो गया हूँ. पी रहे थे या पिला रहे थे? पिला रहा था. अब तुझसे क्या छुपाना छोटे, सिर्फ बाथरूम साफ करने को छोड़कर मुझसे हर काम करवाया. फिक्र मत करो भाई, बाथरूम वाला काम मुझसे करवाया. हाँ? और फैंटास्टिक लिख के मुझे सर्टिफिकेट भी दिया. तो अब हमें टॉयलेट साफ करने का भी सर्टिफिकेट मिलेगा? अरे इतनी मेहनत की है, बहुत जोर की भूख लगी है. चल खाना खाते हैं. चल. क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हो? नेचुरल एक्टिंग नहीं लग रही. चलो ठीक है. संभल के भैया, आराम से. आप आ गए, ऑफिस कैसा लगा? ऑफिस तो बहुत साफ सुथरा है. और हमारे जाने के बाद तो और भी चमक देने लगा. क्या सच में? तो आज तुमने ऑफिस में क्या काम किया? भैया अपनी ड्यूटी के बारे में कुछ बताए क्या? बता देगा तो तुझसे घर साफ करो. नहीं जरूरत नहीं. ये क्या बड़बड़ कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, इतना काम था कि पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं. बातों से पेट भरोगे या खिलाओगे? सॉरी सॉरी, आइए ना, आप लोगों के लिए बहुत चीजें बनाई है. संभल के दिख रहे हैं. बाकी काम संभालो. एमडी की कुर्सी बहुत बढ़िया थी. अरे ये क्या, जाओ जाके हाथ धोकर आइए. सुबह से ही सफाई हो रही है, हाथ तो साफ होंगे ही. बड़े भैया चुपचाप खा लीजिए, आपकी आंखों के लिए अच्छा है. किसने कहा ऐसा? मंतोष बाबा ने. ये बात तुम पे भी तो लागू होती. ये चिकन डाइटिंग पे था क्या? तुमने गलती से मेरी उंगली पकड़ ली है. ये चिकन नहीं है. मैं अंधा हूँ ना, मुझे कैसे पता चलेगा? अरे रे रे, आप ऐसे उदास मत होइए. ठीक हो जाएगा बड़े भैया, सब ठीक हो जाएगा. कोट पर हाथ साफ कर रहे हैं. आहा, लगता है ये मेरे लिए पैदा हुई है. परसों तो यही बात मेरे लिए कही थी. तभी डायलॉग सेम था, सिचुएशन अलग थी ना. जीजा जी, चिकन खा रहे हैं जीजा जी? आज का दिन आप भूल गए क्या? आज क्या? श्री राम आज के दिन वनवास गए थे, और वहाँ सीता माता ने कितनी कठिनाइयाँ सही थी, और आप चिकन खा रहे हैं? गलत है जीजा जी, गलत है. बहुत अच्छा किया, सही वक्त पर याद दिला दिया. सुनो जी, अब इसे छोड़ दो. इस काली को
नहीं इस लेग को। इसे कुछ पता नहीं होता, आज का दिन कल है। मुझे अपने भाई की तरह अंधा समझाए जो मैं देखूंगा नहीं। खाते वक्त ये सब बातें करना जरूरी है क्या? बता क्या खाऊं? पहले ही तैयार कर लिया है। कहाँ गया ये? ये लीजिए। ये सब क्या है? ये शुद्ध कंदमूल है, राम जी ने वनवास में यही तो खाया था। तू पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था? तुम चुप करो, तुम्हें सही समय पर याद दिला दिया, वरना इतना बड़ा पाप हो जाता इनसे। मुझे कंदमूल खिलाना चाहता है, देख लूंगा। बड़े भैया आप ये मत खाइए। प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं खा सकते? आप अंधे हो जाएंगे। और कितना अंधा होऊंगा? लाइफ टाइम वाले अंधे हो जाएंगे। कल रात को ही मैंने लंदन वाले डॉक्टर से बात की, अगले महीने वो इंडिया आ रहे हैं। उन्होंने वादा किया है तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे, लेकिन वो ब्राह्मण है, आप नॉनवेज खाएंगे तो वो ऑपरेशन नहीं करेंगे। नहीं, नेवर। मुझे आंख नहीं चाहिए, मुझे ऑपरेशन भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चिकन चाहिए। आजा कुकड़ू। डॉक्टर ने कहा है ना एक महीने इंतजार करने को। क्या तुम दुनिया नहीं देखना चाहते? अपने आप को नहीं देखना चाहते? और क्या तुम मुझे नहीं देखना चाहते? वो तो देख रहा हूँ। देख रहे हो? अरे मतलब मन की आंखों से। हाय दैया, आई लव यू। तेरे टुकड़े कर दूंगा मैं। लो भूख लगी ना, ठूसो इसे। तुझे नहीं मिला तो मेरा भी खाना खराब कर दिया। ठीक है तो मैं फ्रूट ही खाऊंगा। प्लास्टिक का है। रतालू, रतालू, मैं यहाँ हूँ। ये रहे चिकन लेग पीस। ये कहाँ से मिला? उन दोनों बेवकूफों को बेवकूफ बनाया भगवान राम की कहानी सुनाकर, और वहाँ से ये तेरे लिए उठा लाया हूँ। ले खा। अच्छा मजे से खा, तेरे लिए ही तो लाया हूँ। शैतान कहीं का, मेरा निवाला छीन कर यहाँ कुकड़ू कर रहा है। मजा आ रहा है ना रतालू? मानी काका, ये तो अंधे हैं, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ले तू खा। अरे बापरे, अच्छा वो कुत्ते का जूठा चिकन खाया नहीं, वरना चिकन गुनिया हो जाता। अरे रतालू, कुत्ते का जूठा है? ऐसा कुछ नहीं है रतालू। अच्छा तो ये चाल है, भेष बदलकर तू हमारी किस्मत बदलने चला है। मैं भी देखता हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे सुनती हो, हमारे बेटे घर आए हैं। इतने रात को क्यों आए? आधी रात को आने की पुरानी आदत है। लगता है पूरी प्रॉपर्टी पे हाथ मार दिया इन्होंने, पर सारी नहीं रखने देंगे, 50-50 करना पड़ेगा। 50-50 की क्या बात करते हो, आज सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे। हे भगवान, उस सिंगल किडनी वाले आदमी ने इतना काम करवाया, हम मुंह तक नहीं खोल पाए, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तुमने मार कर मुझे विधवा बनाना चाहते हो, यही चाहते हो ना तुम दोनों? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने कहा ऐसा करो वैसा करो, तुमने जो जो कहा वही तो मैंने किया। बोले सुपर हिट फॉर्मूला है, प्लान सक्सेसफुल होगा। प्लान काम कर गया। कौन बोला? मेरी बाप को उल्लू बना रहे हो, कभी तमिल में मर के जाते हो, कभी मराठी बनवन जाता, उकरांगा बसा वांगो इकड़ेया। तुम्हारा नाटक में अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैंने तुम लोगों के शादी का वीडियो इतनी बार देखा है जितना मैंने अपनी शादी का वीडियो नहीं देखा। अब तुम पकड़े गए, अब नहीं बचोगे बच्चू। अरे भाई साहब कहाँ हो आप? आपके लिए बढ़िया खबर है, सुनते ही आपके होश बिल्कुल उड़ जाएंगे। ये एक नंबर का बेवकूफ है छोटे, ससुर जी को कैसेट दिखाने के बजाय यहाँ आकर सुना रहा है। ये लेकर अरे खोलो मुझे, क्या समझ रखा है? मैं एक एक को देख लूंगा। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। शाउट। देखिए भाई साहब, हम छोटे मोटे जेब कतरे हैं, ये किडनैपिंग और ब्लैकमेलिंग हमें नहीं आती, ये तो मैं अपने बेटों के भविष्य के लिए कर रही हूँ। सही कहा। देखो तुम हमें गलत मत समझना, पर अगर हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें खाना तक नहीं देंगे। तुम्हें अल्सर है ना? अल्सर कैंसर में बदल जाएगा, अच्छे से सोच लो। अरे भाग्यवान, ये कोई छोटे बच्चे थोड़ा ही ना जो समझ नहीं पाएंगे, समझ गए ना? अच्छा ये बताओ, आप नॉन वेज हो के वेज? मैं नॉन वेज हूँ बहन। तो मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा चिकन बनाऊंगी, अच्छे से खा लेना, सुनते हो जी? सर जी जरा 1000 देना, मैं तुम्हारे लिए अलग से पाव किलो चिकन लेकर आऊंगा। नहीं दे सकते?
मैं खुद ही ले लेता हूँ। 1,000 किलो चिकन वो भी 1,000 रुपए में, महंगाई कुछ ज्यादा नहीं पड़ गई। मुझ पर मत चिल्लाओ, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इन जैसे लोगों के आने से पहले अपनी बीवियों से गुटरगु कर लो। एक बार वो माँ बन गई तो इन जैसे लोग तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैंने सही कहा ना भाई साहब? मुझे बांध के रखा है, मैं मना कैसे कर सकता हूँ? बड़े समझदार हो। मैं अपनी बीवी का चांद बन जाऊंगा और उसे चांद सा बेटा भी दूंगा। बालिका, ओ बालिका। आप कौन है भगवान? मेरे मुकुट पर अर्धचंद्र नहीं दिख रहा, मैं चंद्रदेव हूँ। तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हूँ। सच में? मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। आप मेरे लिए यहाँ नीचे आए हैं तो ऊपर कौन है? अमावस की रात है ना, मैं छुट्टी पर हूँ। पर क्यों आए? तुम्हें बेटा चाहिए इसलिए मुझे याद करती थी, तो मैं प्रसाद देने आ गया। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। मुझे प्रसाद दीजिए जल्दी। बालिका, बालिका। भगवान, लेजर सेटअप देखकर भी समझ में नहीं आया मैं सूर्यदेव हूँ। पर मैंने तो आपको नहीं बुलाया। हस्बैंड एक कॉल पर आता है, पर उसके बिना कौन आता है? घर की पड़ोसी। चुप रहो, अंधे हो जाओगे। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए? अरे मुझे बुलाया इसलिए आया। मुझे नहीं बुलाया इसलिए आया। तुम्हारा प्लान क्या है बताओ? तुम्हारा प्लान क्या है? मैं बेटा देने आया हूँ। और मैं सूर्यमुखी बेटे का। मैं चंद्रमुखी बेटे का। जा फेंकू। श्री बेटा, श्री। हाँ आ रही हूँ। दरवाजा खोलो बेटा। तुम्हारे ससुर जी। क्या कहा? मेरे ससुर जी कहाँ गया? चंद्रदेव। मेरा काम हो गया। श्री दरवाजा खोलो, इस कमरे में इतनी आवाजें कौन कर रहा था बेटा? सूर्य चंद्र देवता। सूर्य देव और चंद्र देवता यहाँ? हाँ डैडी, वहाँ देखिए। पर मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बात कर रहे थे, उन लोगों ने आपस में लड़ाई भी की डैडी। लड़ाई से पहले डिनर भी किया होगा। सूर्य और चंद्र एक साथ कैसे आ सकते हैं? चमत्कार हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है डैडी। कैसी भी बात नहीं है, सबसे पहले तो तुम ये रोज रोज का पुराण पढ़ना बंद करो। ये सूर्य देव चंद्र देव के बारे में सोचना बंद करो। विष्णु जी राम जी के बारे में सोच कर सोया करो, नींद अच्छी आएगी। चलो सो जाओ। ये सपना था या सच्चाई? हमेशा गलत टाइम पर आता है। ओ, फिर आके